हेलो दोस्तों, आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी। वीडियो को पूरा देखिएगा, रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बनाते हैं। अब ये मैंने आधा किलो टमाटर अच्छे से धुल करके ले लिया है। अब इनको काट लेंगे। इनके ऊपर का पोर्शन पहले हटा देते हैं। अब ऊपर का हिस्सा इस टाइप से हटा देना है ये। अब इनको चार टुकड़ों में काट लेंगे। एकदम बराबर से आप नीचे रख के काटिएगा, क्योंकि हाथ में ना लगने पाए। इस तरह से काट लेना है। आप ऐसे नीचे रख के काट लीजिए। अब इसी तरह सारे काट के तैयार कर लेंगे। पहले ये सारे टमाटर मैंने काट के तैयार कर लिए हैं चार टुकड़ों में, ये देखिए। अब चलते हैं, इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। अब गैस में एक पैन रखेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच साबुत धनिया, 1/4 शादी हो रही है, इस समय बहुत सारी शादियां हैं, उसी की आवाजें आ रही हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच जीरा। अब इनको लगातार चलाते हुए हल्का सा रोस्ट कर लेना है, 1 मिनट के आसपास। जैसे ही चटचट की आवाज आने लगेगी, वैसे गैस को ऑफ कर देंगे। अभी हल्का सा रोस्ट हो गया है, अब गैस को ऑफ कर देते हैं। मसाला को ठंडा होने देंगे। अभी मसाला ठंडा हो गया है, इसको आराम से छू सकते हैं। अब इसको डाल लेंगे एक मिक्सर जार में। अब इसमें डालेंगे 8-10 लहसुन की कलियां। आप अगर लहसुन ना खाते हो तो स्किप कर सकते हैं। 5-6 लाल मिर्च, आप मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा खाते हो। अब इसको दरदरा पीस लेंगे। ये लहसुन मिर्च पड़ा है तो अपने आप दरदरा पीसेगा, पानी नहीं डालना है। अभी मसाला पीस गया है, ये देखिए, हल्का दरदरा पीसा है, ये देखिए। अब इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कटोरी में। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस में एक पैन रखेंगे। गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे सरसों का तेल 1 टेबल स्पून के आसपास। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 प्याज बारीक कटा हुआ। प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन को भी थोड़ा सा भून लेते हैं 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट हो गए हैं, बेसन भी अच्छे से भून गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें डाल लेंगे मसाला जो मैंने बना के रखा था। दो तीन चम्मच के आसपास पानी। अब मसाला को भी 1 मिनट भून लेंगे। मसाला पहले से भुना हुआ है, बस 1 मिनट भूनना है। 1 मिनट हो गए हैं, मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब गैस को एकदम लो फ्लेम में कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब मसाला को पूरे पैन में थोड़ा थोड़ा फैला लेते हैं।
मसाला पूरे में फैल गया है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, ऐसे पहले सीधे रख देंगे अब सारे टमाटर मैंने रख दिए हैं। अब गैस को मीडियम फ्लेम में कर लेंगे। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, टमाटर को देख लेंगे। अब इनको धीरे से पलट देते हैं। अब टमाटर में मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको फिर से ढक देंगे 10 मिनट के लिए और बीच बीच में 2-3 बार चला देंगे, जिससे टमाटर जले नहीं नीचे से। अब 10 मिनट हो गए हैं, टमाटर को देख लेंगे। वाव, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये टमाटर की भरवां सब्जी बनके तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा खा के। मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें डाल देंगे धनिया के पत्ते। अब धनिया के पत्ते डाल के मिक्स कर देते हैं। अब इसको गरम गरम सर्व कर लेंगे। ये टमाटर की भरवा मसाला सब्जी बनके तैयार है, आप लोग भी बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। इसको आप रोटी, पराठा, पूड़ी या फिर दाल चावल के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का बटन है, उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नए नए वीडियोज़ आपके पास जल्दी से पहुँच जाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।